और आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है बता दें महिलाएं अपने पति और बेटों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार की खास मान्यता है चार दिन तक चलने वाले इस त्योहार में महिलाएं अपने पति और बेटों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होती है इस खास दिन छठ व्रत किसी नदी, तालाब या सरोवर के पास जाकर स्नान करते हैं और इसके बाद दिन भर में केवल एक ही बार सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। छठ के दूसरे दिन यानी कि पंचमी को खरना कहा जाता है इस दिन छठ व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम में अरवा चावल की बनी खीर और रोटी छठी मैया को अर्पण करके बाद में उनका प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके साथ ही व्रतियों का छत्तीस घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है वैसे तो ये त्यौहार तो मुख्य तौर पर बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है लेकिन आजकल बहुत से लोग इस व्रत को करने लगे हैं इस लोक आस्था के पर्व पर छठ व्रती उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर उनकी आराधना करते हैं ये तो हर सूर्य ष्ठी व्रत भी कहलाता है इस कारण इसे छठ भी कहा जाता है इस व्रत को साल में दो बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में मनाया जाता है बता दें कि का, कार्तिक मास यानी कि ये किए जाने वाले छठ के व्रत की अधिक मान्यता बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है तो पति और बेटों की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और 36 घंटे का निर्जला व्रत ये रखा जाता है छठ पूजा करने वाली महिलाएं सूर्य को उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ देकर पूजा करती हैं नदी या तालाब में महिलाएं स्नान करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं। आज नहाए खाए के साथ ये छठ का पावन पर्व शुरू हुआ है बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी एप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें